हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किड्स प्राइड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कंटेंट दिखा रही हूँ। ये यूकेजी क्लास का मैथ का है और आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। पूरा पूरे साल मैथमेटिक्स में बच्चों को क्या क्या कराया जाता है सब यहाँ पर लिखा हुआ है। वन बाय वन मैं आपको पेजेस भी दिखाऊंगी किस टाइप का कंटेंट रहता है हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 20 बच्चों को अच्छे से कराया जाता है यूकेजी क्लास में। इसके बाद की भी काउंटिंग कराई जाती है बट पहला फोकस जो होता है वो 1 to 20 तक ही होता है। उसके बाद बच्चे काफ़ी चीज़ें इजीली सीख लेते हैं। ये जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर मेज़, तो यहाँ पे 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से मैचिंग करनी है। तो अलग अलग पैटर्न बच्चों को वर्कशीट की फॉर्म में दिया जाता है स्कूल में, और आप भी घर पे उनकी रफ कॉपी पे बनाना चाहें तो बना के उनको दे सकते हैं। तो 1 to 10 उनको पूरा काउंट करना है पूरे नंबर मेज में से। इसी तरह से अलग अलग तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जैसे ये 1 लिखा हुआ है, फिर 2 फिर 3, तो इस तरह से ये पूरा मैचिंग करनी है और 1 to 10 उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट काउंट एंड राइट। तो जैसे मैंने कि आपको बताया यूकेजी की बुक है, तो एलकेजी में काफ़ी कुछ बच्चों को करा दिया जाता है। उसके बाद प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर आगे उनका सिलेबस बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे काउंट करना है जो भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर, जैसे 7 बटरफ्लाइज हैं तो 7 लिख दिया, यहाँ पे 6 क्लाउड्स हैं तो 6 लिख दिया, 10 काइट्स हैं, 6 फ्रॉक्स हैं। तो इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट आप बच्चों को घर पे ड्रॉ करके दे सकते हैं और देन फिर उसको उनका नंबर लिखना होगा। अगेन काउंट एंड राइट का ही ये वर्कशीट है। यहाँ पे वाटरमेलन काउंट करने हैं 5, यहाँ पे आइसक्रीम काउंट करनी है 7, यहाँ बॉटल्स दी हुई हैं काउंट करनी है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, सिंपल उनको काउंट करना है। फन एक्टिविटी जब कराते हैं स्कूल में तो उनको कलर करने के लिए भी बोल देते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है कलर करना। नेक्स्ट आता है हमारा 1 to 10 काउंटिंग। सिंपल 1 to 10 काउंटिंग लिखनी है। फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए इस वाले पेज में ये देखा जाता है कि बच्चे का फॉर्मेशन सही है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्चे ने 7 ये गलत बनाया हुआ है, तो इसको इरेज करने के लिए बोलेंगे और उसको करेक्ट करने के लिए बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर भी 7 जो है थोड़ा बेटर है। व्हाट कम्स आफ्टर, तो किस नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है वो हमें लिखना है। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे 7 है, 7 के बाद हमारा 8 आता है, 4 के बाद आफ्टर हमारा 5 आता है, 3 के आफ्टर 4 आता है, तो यहाँ पर हमें आफ्टर नंबर लिखना है। अगेन सेम वर्कशीट इसी तरह से आफ्टर नंबर की। तो अलग अलग तरह से आप नंबर लिख के दे सकते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट बैकवर्ड काउंटिंग 10 to 1, 10 9 8 7 इस तरह से 1 तक काउंट करनी है बच्चों को। यहाँ पर भी बैकवर्ड काउंटिंग बच्चों को पता होनी चाहिए, बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है और फॉरवर्ड काउंटिंग क्या होती है। यहाँ पर हमें बिफोर नंबर लिखना है, 5 से बिफोर नंबर कौन सा होगा, 3 से बिफोर नंबर कौन सा होगा, इस तरह से बिफोर नंबर की वर्कशीट है ये। बिटवीन नंबर 5-7, तो 5 और 7 के बीच में हमारा कौन सा नंबर आता है, 6 नंबर आता है, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें बिटवीन नंबर लिखना है। इस वर्कशीट में भी यही है। नेक्स्ट आता है हमारा मोर और लेस। इसमें आपको क्या करना है, इन ईच रो कलर द ग्रुप दैट हैज लेस नंबर ऑफ पिक्चर्स। तो हर पोर्शन में आपको 2 ग्रुप दिए हुए हैं, उनमें से जिनमें भी लेस नंबर के पिक्चर हैं तो उस पर आपको क्या करना है, कलर करना है। तो ये 1 क्रोकोडाइल है और यहाँ पर 3 है, ये तो सिर्फ 1 में 1 कम है ना, लेस मतलब कम, उस पर आपको कलर करना है। यहाँ पर 2 हैं ये और यहाँ पर 3 है, इसमें कलर करना है।
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 में बेसिकली यहाँ पर आपको लेस नंबर जो भी हैं उन पे आपको कलर करना है। यहाँ पर आपको किस में कलर करना है, मोर में। तो यहाँ पे 6 स्टार्स हैं, यहाँ पर 4 स्टार्स हैं, तो 6 इज ग्रेटर देन 4, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 वाले में कलर करेंगे। इसी तरह से बाकी का भी करना है। विच हैज मोर, तो यहाँ पर 2 ग्लास दिए हुए हैं, एक ग्लास में 3 डॉट्स हैं, एक में 5 डॉट्स हैं, जिसमें ज़्यादा डॉट्स हैं उसमें सर्कल करना है। इस टैंक वाटर टैंक में 3 फिश हैं, इस वाटर टैंक में मोर फिश हैं, तो इसमें सर्कल करेंगे। अब बताना है आपको कहाँ पर ज़्यादा बर्ड्स हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बर्ड्स हैं, यहाँ पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, कहाँ पर ज़्यादा कैंडल्स हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बच्चों को बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप उनको सिंपल दे दीजिए कि करिए, उनको स्टार्टिंग में समझाइए, घर पे पहले अच्छे से समझाइए उनको कि बेटा इसमें आपको क्या करना है, कैंडल्स काउंट करने हैं। ऐसे कंफ्यूज नहीं करना उनको कि आप खुद से करिए, बच्चा सोचेगा ये भी केक है, ये भी केक है, तो ये तो सेम ही हो गया। तो उनको हमें समझाना है कि आपको क्या चीज़ काउंट करनी है, कैंडल्स काउंट करनी है। इसमें क्या काउंट करना है, फिश काउंट करना है। इसमें हमें क्या काउंट करना है, बर्ड काउंट करना है। बिग एंड स्मॉल, सर्कल द बिग पिक्चर एंड क्रॉस द स्मॉल पिक्चर, तो दोनों में से जो भी बिग पिक्चर है उस पर सर्कल करना है, और जो स्मॉल है उस पर क्रॉस करना है, इसी तरह से इस पर। तो ये वीडियो और बड़ा नहीं करते हैं, यहीं तक करते हैं। इसके आगे की पिक्चर्स में और दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स प्राइड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।